हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में तो अभी आपने एक ट्रेलर देखा जो कल अपडेट आने वाला उसी का ये ट्रेलर था छोटा सा तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूं अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो के टॉपिक की तो आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू हैक पबजी भाई साहब आधे से ज्यादा बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ये कभी ना कभी सर्च किया होगा हाउ टू हैक पबजी तो अब आपको ये सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन हैक आ चुके हैं पबजी के अंदर ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको वीडियो में आगे पता चलेगा मतलब बंदे की लोकेशन ड्रॉप की लोकेशन बंदा कहाँ पर टीपीपी ले रहा है प्रॉपर आपको पता चल जाएगा अगर आपके सामने कोई बंदा कैम भी कर रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा कि बंदा यहाँ पर है कैसे पता चलेगा अभी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो को पूरा देखना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना तो चलते हैं वीडियो की तरफ तो सीधा मुद्दे पर आते हैं मेन मेन सीन आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर मैं हीलिंग कर रहा था एंड यहाँ पर आपको जो न्यू एबिलिटी कल आने वाली है अपडेट के अंदर उसकी एक छोटी सी झलक दिखेगी यहाँ पर मैं सामने की तरफ भाग रहा था अभी आपको पता चलेगा मैं हैक की बात क्यों कर रहा हूं जैसे कि यहाँ पर आपके आस पास बंदा है तो छोटे वाले मैप को देखो छोटे वाले मैप में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास बंदा है आपके प्लेयर के आसपास एक घेरा सा बना हुआ है जैसे उस घेरे के अंदर कोई बंदा एंटर करता है या फिर लेटा होता है या फिर आप कहीं जा रहे हो और आपके घेरे के अंदर बंदा आ जाता है तो वो रेड हो जाता है जैसे ही वो रेड हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि आगे बंदा है और आप इजीली बंदे को मार सकते हो ये तो कुछ भी नहीं है अभी मैं सेकंड एबिलिटी आपको दिखाता हूं सीधा अगले मैच में चलते हैं एंड आप बोलोगे भाई ये तो प्रॉपर है क्या भाई ये जो तीन एबिलिटी आ रही है इस एबिलिटी के आने के बाद गेम इतना ईजी हो जाएगा आप सभी के लिए कौन कर पुश करना इतना ईजी हो जाएगा कि हर बंदा कौन कर पुश कर पाएगा क्यों ऐसा बोल रहा हूं अभी आपको आगे पता चलेगा अब मैं आपको सेकेंड सुपर पावर दिखाता हूं सीधा अगले मैच में ले जाके तो फटाफट से चलते हैं अगले मैच में फिर दोबारा से इसी मैच में वापस आके और आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा मैं तो वीडियो में बने रहे तो नेक्स्ट मैच में मैं पुल उतरा था एंड यहां पर आपको देखने को मिलेगी मेरी बेस्ट एबिलिटी यहां पर मैंने एबिलिटी यूज की नेड की तरह होती है ये एबिलिटी जब आप इसे फेंक देते हो आपके आसपास जो भी बंदा होगा उसके ऊपर एक रेड डॉट बन जाएगा एंड वो बंदा आपको कहीं से भी दिखेगा जैसे कि मैं कंटेनर के पीछे हूं, फिर भी मेरे को रेड डॉट दिख रहा है वो बंदा कहाँ पर टीपीपी ले रहा है कहां पर खड़ा हुआ है तो ये एबिलिटी थोड़े टाइम के लिए रहती है अगर आपके पास चार पांच बंदे हैं तो सभी के ऊपर डॉट बन जाएगा आप इजी तरीके से उसे मार सकते हो जैसे कि मैंने इसे मारा यहां पर आप देख सकते हो ऐसे चमक रहा है ये एंड ये आपको वॉल के आर-पार दिखेगा कंटेनर के आर-पार दिखेगा हर जगह से दिखेगा अगर आपके छत पे बंदा है ठीक है आपको उसकी लोकेशन का नहीं पता आपने इस एबिलिटी को यूज किया तो आपको पता चल जाएगा वो किस कोने में बैठा हुआ है ठीक है अभी जैसे कि यहां पर मैंने इसको तो मार दिया अभी मेरे पास एक बोट और आएगा ठीक है मैं वहां पर आपको इस एबिलिटी को दोबारा से यूज करके दिखाऊंगा जैसे कि ये बोट आ गया ठीक है अब मैं इस एबिलिटी के वेट करता हूं यहां पर टाइमर चल रहा है ना इस एबिलिटी का का आने का वेट करता हूं दोबारा से मैं आपको इस एबिलिटी को यूज करके दिखाता हूं यह रियल प्लेयर पे भी लागू होगा बोट पे भी लागू होगा मतलब आपके आसपास कोई भी बंदा हो हैकर भी होगा ना फिर भी आपको पता चल जाएगा कि भाई वो कहां पर टीपी पे ले रहा है कहां से वो मारेगा ये देखो जैसे मैंने इस एबिलिटी को यूज किया एक स्कैनर सा ओपन हुआ स्कैन करने के बाद इस बोर्ड के ऊपर एक रेड कलर का मार्कर बन गया और वो स्कैन करता है दो तीन चार बार स्कैन करता है जो आप फेंकते हो ना ये देखो ऐसा कुछ बन जाता है और ये स्कैन करता है कि आसपास कितने बंदे हैं जितने भी बंदे होंगे सबके ऊपर रेड डॉट बन जाएगा एंड आप इजिली उसको मार पाओगे ये एबिलिटी मेरी खुद की फेवरेट एबिलिटी है कल जैसे ही अपडेट आएगा मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप अपडेट कैसे कर सकते हैं जल्दी से जल्दी सुबह बारह बजे वीडियो आएगी इंडिया वालों के लिए स्पेशल जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इंडिया में पब्लिक जी बैन है तो कोई भी अपडेट कर नहीं पाएगा तो मेरी वीडियो का वेट करना उसके बाद जो मेरी फेवरेट चीज लगी वो है क्लाउन शॉप क्लाउन शॉप की वीडियो मैंने पहले डाली थी तीन चार दिन पहले बट मैंने उस टाइम पे इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया था तो यहां पर आपको क्लाउन शॉप के अंदर देखो, ये भी पता चल जाएगा बंदे उतरे कहां पर हैं भाई साहब ये चीज मेरे को काफी पसंद आई अभी इस वाले, मैप, इस वाले मैच में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा दूसरे मैच में चलते हैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं शुरू से एक्सप्लेन करता हूं ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट मैच में तो मैं नेक्स्ट मैच में आ चुका हूँ फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो क्लाउन शॉप था उसका क्या फायदा है उससे आपको कैसे बंदों की लोकेशन का पता चलेगा कैसे आपको पता चलेगा नेक्स्ट जोन कहाँ बनने वाला है मैंने यहाँ पर अभी आपको मैप ऑन करके दिखाया यहाँ पर आपको पता है कि जोन कितना बन गया और कितनी देर में जोन आने वाला है ठीक है तो अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ क्लाउन शॉप पे यहाँ पर ध्यान से देखना मैं आपको क्या बता रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर आपको तीन स्पेशल यहाँ पर शॉप में चीजें बाय करने का ऑप्शन मिलेगा उसके लिए आपको गोल्ड कॉइन चाहिए गोल्ड कोइन आपको कहीं भी पड़े हुए मिल जाएंगे घर के अंदर या फिर कहीं भी कंटेनर के ऊपर या फिर किसी भी कमरे में है ना तो यहाँ पर बंदा था पहले इसे हम मार देते हैं मारने के बाद यहाँ पर मैं क्लाउन शॉप पे आया मैंने शॉप के ऑप्शन पे क्लिक किया पहले मैं एबिलिटी यूज कर लेता हूँ जिससे मेरी पावर नहीं जाएगी तो यहाँ पर ये दूसरी एबिलिटी थी पिछली वाली एबिलिटी अलग थी तो यहाँ पर देखो तीन चीज़ें मिलती हैं ठीक है तो यहां पर मैं परचेस करके दिखाऊंगा सबसे पहले आपको यहां पर देखो ये जो पहली चीज है इससे आपको अगले जोन का पता चल जाएगा कि अगला जोन कहां बनने वाला है उसके बाद जो आखिरी वाली है उससे आपको बंदों का पता चलेगा जो बीच वाली है उससे आपको ड्रॉप का पता चलेगा ठीक है तो यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है यहां पर मैं बाय करके दिखाऊंगा जैसे यहां पर मैंने बाय किया यहां पर पता चल गया कि ड्रॉप कहां गिरने वाला है तो यहां पर आप देख सकते हैं मुझे पहले ही पता चल गया कि अगला ड्रॉप यहां पर गिरने वाला है जो कि आप अभी आपको मैं दिखाऊंगा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा आपको मैं ठीक है अब यहां पर हम देखते हैं कि अगला जोन कहाँ बनने वाला और बंदे कहां पर है ठीक है तो मैंने बंदे वाला बाय कर लिया बंदे वाला मेरे को समझ भी नहीं आया क्योंकि मैंने काफी ए, मतलब कोशिश की समझने की पर बंदे वाला मुझे समझ में नहीं आया या फिर मेरे मैच के अंदर बंदे ही नहीं थे क्योंकि बीटा वर्जन है ना तो उसमें बंदे ज्यादा होते नहीं है तो मैंने दो तीन बार परचेज किया बट मेरे को समझ में नहीं आया बंदे क्यों नहीं दिख रहे क्योंकि मैंने जहां तक इसके बारे में रिसर्च की थी कि बंदे दिखेंगे तो यहां पर उसके बाद मैंने यहां पर जोन वाला बाय किया जोन देख सकते हैं कहां पर बनेगा जो छोटा सर्कल बना है ना वो जोन है तो उसके अंदर ही जोन बनेगा नेक्स्ट जोन वो भी आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा तो यहां से मैं निकल गया अपनी गाड़ी लेके वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं उसके बाद मैं दिखा हूं कि अगला ड्रॉप कहां पर गिर रहा है ठीक है तो अगला ड्रॉप और नेक्स्ट लोकेशन जो यहां पर शॉप में हमें पता चली है, वो देखते हैं सही है या गलत है ठीक है तो हम चलते हैं गाड़ी लेके सीधा उसी लोकेशन की तरफ जहां पर ड्रॉप गिरने वाला है और जहां पर जोन बनने वाला है तो काफी आगे आने के बाद मुझे पता चलता है कि जोन बनने वाला है तो यहां पर मैं मैप ऑन करके आपको दिखा देता हूं कि हमारे को जो क्लाउन शॉप पे पता चला था कि यहां पर जोन बनने वाला है वहीं बनता है या कहीं और बनता है ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं जोन वहीं पर बना है बिल्कुल जो क्लाउन शॉप ने बोला था वही हुआ अब देखते हैं ड्रॉप कहां पर गिरता है ड्रॉप का मार्क अभी भी आ रहा है अभी तक ड्रॉप का जो प्लेन है वो आया नहीं है प्लेन आएगा तभी ड्रॉप गिराएगा देखते कब तक प्लेन आता है ठीक है तो यहां पर हमारी गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है और हमें पता ही नहीं होता तो यहां पर मैं बैक करता तो मुझे पता चलता है कि तेल खत्म हो गया तो यहां से हमें पैदल जाना पड़ेगा ड्रॉप के पास और देखना पड़ेगा कि ड्रॉप गिरता भी है वहां पर या नहीं तो देख सकते हैं यहाँ पर तेल खत्म हो गया तेल खत्म होने के बाद यहाँ पर मैं हीलिंग लगाता हूँ या एबिलिटी यूज करता हूँ एबिलिटी यूज करने के बाद यहाँ पर आपको पता चलेगा मेरे आसपास होता है बंदा और मेरे को तुरंत पता चल जाता है देखना अभी तो यहाँ पर देखना क्या सीन होता है छोटे वाले मैप की तरफ देखो हाईलाइट हो गया ना वहाँ पर मेरा घेरा मतलब कि मेरे आस बंदा है तो यहाँ पर मुझे पता चल जाता है कि बंदा है तो मैं इजीली इसको मार देता हूँ होता तो ये बोट ही है बट इससे काफ़ी फ़ायदा होता है देखो छोटे वाला मैप अभी तक मेरा घेरा जो है वो चमक रहा है एक आपको अलग से घेरा सा मिलता है जो कि चमकने लग जाता है अगर आपके आसपास बंदा हो तो अब हम ड्रॉप को देखते हैं कि ड्रॉप गिरता है उस लोकेशन पे या नहीं तो काफी देर पहले ही हमें पता चल गया था कि ड्रॉप कहाँ गिरने वाला है अब हम ड्रॉप की तरफ ही भाग रहे हैं अब देखने वाली बात ये होगी कि ड्रॉप गिरता है या नहीं गिरता क्योंकि अभी तक कोई भी प्लेन आया नहीं है जब से हमने लोकेशन देखी है और अभी भी हमारा ड्रॉप जो है वो मैप में दिख रहा है अब यहां पर अभी आपको पता चल जाएगा कि भाई ये हैक वर्क करता है या नहीं वैसे तो ये हैक नहीं है पबजी की एबिलिटी है बट हमें ओ भाई प्लेन आ गया प्लेन आ गया प्लेन आ गया। भाई साहब गिर गया ड्रॉप, गिर गया ड्रॉप, गिर गया ड्रॉप। अब देखते हैं कि वहीं गिर रहा है क्या हाँ भाई बिल्कुल सेम लोकेशन पे जहां पर क्लाउन शॉप ने बताया था क्लाउन शॉप ने वहीं पर गिर रहा है भाई साहब अब फटाफट से ड्रॉप के पास चलते हैं और जाके देखते हैं कि वही ड्रॉप है ना ये पहले तो नहीं कोई ड्रॉप गिर रखा वहां पर तो फटाफट से चलते हैं वहां पर क्योंकि पैदल ही जाना है तो मैं स्कीप कर देता हूँ वीडियो को तो फाइनली काज देख सकते हैं ड्रॉप सेम उसी लोकेशन पे गिरा है और जैसे ही हम इस ड्रॉप को लूट लेंगे जो मैप के अंदर ड्रॉप दिख रहा है आपको क्लाउन शॉप वाला वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा तो यहाँ पर मैं सीधा ड्रॉप पे लेके चलता हूँ एंड उसे लूट के आपको दिखाता हूँ कि भाई क्या ही खतरनाक मतलब चीज़ें आने वाली है नेक्स्ट अपडेट में तो कल वीडियो का वेट करना कल मैं सुबह ही वीडियो अपलोड कर दूँगा कि कैसे अपलोड मतलब अपडेट करें जो न्यू पब्जी आ रही है उसे एंड uh, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से मत करना नहीं तो आईडी बैन करवा लोगे फालतू में अपनी जो इंडिया से उन्हें तो किसी ना किसी यूट्यूबर की वीडियो देख के ही पबजी अपडेट करनी पड़ेगी जो इंडिया के बाहर से हैं वो तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से कर ही सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही था मैंने आपको आशा करता हूँ काफी चीजें बता दी इस वीडियो में जो आपको नहीं पता थी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय जय हिंद वंदे मातरम